हाय एवरीवन, हम बात करें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मतलब इरेशनल थॉट्स जो रियलिस्टिक नहीं है और बार बार आपके दिमाग में आकर आपको परेशान कर रही हैं। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं शुड स्टेटमेंट्स की, यानी कि एक इंसान है जो सर्टेन वे में कुछ एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो अपने आप से एक्सपेक्ट करता हो या दूसरों से। जैसे कि कोई इंसान ऐसे बोल रहे कि मैंने उनको गिफ्ट दिया था, उन्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था और थैंक यू भी फ़ोन कर कर बोलना चाहिए था, या मुझे एक रिटन नोट लिखना चाहिए था। तो ये क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन है एक स्पेसिफिक एक सर्टेन वे में। अगर ये पूरी नहीं हो पाती है तो आपके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, जेलसी जैसे नेगेटिव इमोशंस आप एक्सपीरियंस करते हैं और आपका झगड़ा भी हो सकता है उस पर्सन से और आप डिप्रेस भी फील कर सकते हैं। अब हर चीज़ एक सर्टेन वे में सर्टेन तरीके से हो ये तो हर बार पॉसिबल नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे को याद है कि मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उसको ये था कि मेरे हस्बैंड को बहुत रोमांटिक होना चाहिए और रोमांटिक भी कैसे होना चाहिए कि हर रोज़ घर आते वक्त उन्हें मेरे लिए एक चॉकलेट और एक फ्लावर लेकर आना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर तो हर कोई ऐसे अपनी वाइफ को इम्पॉर्टेंट फील कराता है, बट हर दिन ऑफिस से आते वक्त अगर ये आपका एक जॉब हो जाए कि आपको एक चॉकलेट और एक फ्लावर ही लेकर आना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिल्मों में तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अब इस तरीके की अगर डिस्टॉर्शंस यानी कि दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो उस वजह से रिलेशनशिप भी ख़राब होने लगता है। जैसे कि उनका रिलेशन ख़राब ही हो गया था ऑलमोस्ट, इसीलिए वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी क्योंकि उनका हस्बैंड से झगड़ा आने लगा था, उनको गुस्सा आने लगा था और गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उनको खाना भी नहीं दे रही थी क्योंकि वो उनके लिए चॉकलेट और फ्लावर लेकर नहीं आए थे। तो जो शुड स्टेटमेंट होती है इसमें इंसान की एक्सपेक्टेशंस खुद से भी कुछ अजीबोगरीब इसी तरीके की होती हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये पहनकर नहीं जाना चाहिए था, वरना ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस तरीके का अगर डिस्टॉर्शन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इससे आपके रिलेशन भी बिगड़ेंगे और आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके आसपास है कोई वो भी इस डिस्टॉर्शन से सफ़र कर रहा है तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन करना है। स्टे कनेक्टेड।